दिस इज़ डॉक्टर हिना बेग और आज का हमारा टॉपिक है इलियोकार्ट्री एनरिज्म एंड सेरिब्रल एनरिज्म। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दोनों। इलियोकार्ट्री एनरिज्म बेसिकली इलियोकार्ट्री में ही होगी। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको पल्सेटाइल मैज मिलेंगे, पल्सेटाइल मैज मिलेंगे और ये आपको एब्डोमिनल और रेक्टल एग्जामिनेशन से मिलेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात क्या कि आपने एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म के साथ जो है, जब आपको पेशेंट आपने देखा कि एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म उसको है, तो आपने इलियोकार्ट्री एनरिज्म को फौरन उसको आपने एग्जामिन करना है कि हो सकता है कि एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म के साथ पेशेंट प्रेजेंट करो तो माइट बी इलियोकार्ट्री एनरिज्म भी हो। फिर उसके बाद क्योंकि एसोसिएशन हैं दोनों में, सिम्टम्स जो हैं यूजुअली ए सिम्टम एनरिज्म के सारे पेशेंट्स जो हैं वो ए सिम्टोमेटिक ही होते हैं, कॉन्सिडेंटल फाइंडिंग में ही मिल रहे होते हैं। सिम्टोमेटिक उसी वक्त होते हैं जब वो रप्चर हो जाए, अदरवाइज वो कोई और रिस्क फैक्टर के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे कि पोर्टल हाइपरटेंशन, तब आपने सीटी स्कैन करके चेक किया हो तो वो इंसिडेंटल फाइंडिंग में स्प्लेनिक आर्टरी एनरिज्म मिल जाए। इस कंडीशन में जो है ना, वो पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक आ रहे होते हैं, अदरवाइज जब तक रप्चर ना हो नहीं पता लगता। अच्छा, इसके अलावा एब्डोमिनल और ग्रायन पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है या मैस के साथ, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है? बेस्ट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट इज सोनोग्राफी। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वही सेम टू सेम एज ए, वही एंडोस्क्यूलर और ओपन रिपेयर। बाकी इसके एनरिज्म जब ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो जाए इस इलियक आर्टरी का, उस कंडीशन में आप सर्जिकल अप्रोच करते हैं। तो इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्विक रिव्यू में हमारे पास क्या है कि इलियक आर्टरी एनरिज्म जो है एग्जामिनेशन में ही आप इसको नोट करते हैं ऑन रेक्टल एग्जाम या एब्डोमिनल एग्जाम। जब आपको पता लगे कि एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म पेशेंट को है, तो आपने फौरन इलियोकार्ट्री एनरिज्म को भी डुप्लेक्स सोनोग्राफ स्कैनिंग से पता लगा लेना है। यूजुअली पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं और एब्डोमिनल ग्रायन पेन के साथ प्रेजेंट करेंगे इफ़ दे आर सिम्टोमेटिक। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज सोनोग्राफी और मैनेजमेंट जो है वो आपने सिमिलर टू AAA एब्डोमिनल एरोटिक एनरिज्म है। और सर्जिकल रिपेयर आप यूजुअली परफॉर्म करते हैं कब? जब एनरिज्म का साइज 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलियोकार्ट्री एनरिज्म। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रल एनरिज्म। सेरिब्रल एनरिज्म जो है, सेरिब्री इज ब्रेन, तो इंट्राक्रेनियल एनरिज्म जो है अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली एट बायफर्केशंस, जहाँ पर आपके पास एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी जो है ये बायफोकेशन हो, जहाँ पर जिसका एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जब ये बायफोकेट करके ब्रांचेस दे रही होती है, उस कंडीशन में जब एक आर्टरी सीधी चल रही है और जब वो बायफोकेट हो जाए एक पॉइंट पे, बायफोकेशन वाले पॉइंट पे अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा राइज होता है तो एनरिज्म होने के चांसेस, मतलब डायलेशन ऑफ द आर्टरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेम टू सेम ये ब्रेन के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ कि एसिम्टोमेटिक है अनटिल रप्चर, और अगर रप्चर्ड हो जाए तो सिर्फ 33% चांसेस होते हैं कि पेशेंट विल डाई बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स जो हैं, वो रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स आर हाइपरटेंशन, वही सेम टू सेम, स्मोकिंग, अल्कोहल यूज़, कोकेन यूज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब। लेकिन एक स्पेसिफिक जो है जो उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये दो हैं सेरिब्रल एनरिज्म के लिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एंड फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं रिस्क फैक्टर्स। ये किसी और एनरिज्म में नहीं दिखे, इसी के अंदर है खाली, तो स्पेसिफिक है फॉर सेरिब्रल एनरिज्म। सिम्टम्स, सबसे स्पेसिफिक सिम्टम जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थंडर क्लैप हेडेक। इतना एक्सट्रीम सर में दर्द होता है कि पेशेंट कहता है इससे पहले मेरे सर में दर्द कभी भी नहीं हुआ, इतना ज़्यादा। न्यूकल रिजिडिटी, फेशियल पेन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीजर्स एंड विजुअल चेंजेस। इसके बाद हमारे पास बेस्ट इनिशियल स्टेप जो डायग्नोसिस का है वो है CT, ठीक है। और ट्रीटमेंट आपने पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसका एयरवे फ्लूइड्स मेंटेन करना है, हाइपरटेंशन कंट्रोल करनी है, ठीक है जी, हाइपरटेंशन कंट्रोल करनी है। उसके बाद सीजर्स प्रोफाइल एक्सेस आपने उसको दे देना, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि आगे जाके उसको सीजर्स हो जाएं। और सर्जिकली आपने एनरिज्म को ट्रीट करना है, इन्वॉल्व्स क्लिपिंग ऑफ द एनरिज्म, ठीक है, इन्वॉल्व्स क्लिपिंग ऑफ द एनरिज्म। अच्छा,
अब हम नेक्स्ट हम आपको एक इसका सीटी स्कैन दिखाते हैं सेरेब्रल एनर्जिज्म का। उसके अंदर जो है ये रपच्चर्ड है और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इस पॉइंट में ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है, और दिस इज़ कॉल्ड रपच्चर्ड सेरेब्रल एनर्जिज्म। सो हमने जो है वो इलियक आर्टरी एनर्जिज्म एंड सेरेब्रल एनर्जिज्म कवर किया है। एंड थैंक यू सो मच।